नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल V2 एक्सप्लोर में। इस समय मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हूं दोस्तों, और आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, उनकी पूरी डिटेल के साथ दर्शन कराऊँगा। इस समय मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वो गेट दिखाई दे रहा है गेरुआ कलर का, ये हरिद्वार का बस स्टैंड है दोस्तों। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने हैं, मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर है बस स्टैंड। मैंने आज रेलवे स्टेशन से पैडल रिक्शा किया है दोस्तों। पैडल रिक्शा हर की पौड़ी तक 40 रुपये लेता है और आपको हर की पौड़ी तक छोड़ देता है दोस्तों। ये शिवमूर्ति चौक है, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा ही आगे चलने पर लालताराव पुल है, और लालताराव पुल से लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है दोस्तों, यहाँ से भी आप माँ मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, स्कूटी के द्वारा गया था मैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मेरे वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं चैनल पे। इस समय मैं हरिद्वार अपर रोड पे हूँ। हरिद्वार अपर रोड पे ये लेफ्ट साइड में कोतवाली नगर है, हरिद्वार कोतवाली नगर। जैसा कि मैं बता दूं आपको दोस्तों, माँ मनसा देवी जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीढ़ियों वाला है और दूसरा पैदल है, प्लेन है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो सीढ़ी वाले रास्ते से बिल्कुल भी ना जाएं, और आपके लिए पैदल मार्ग जो प्लेन वाला है वो बेस्ट है, तो आप उसी को ही चूज़ करें। सामने आप देख पा रहे हैं ये प्रसाद लिए हुए कुछ व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ से ही लेफ्ट साइड में माँ मनसा देवी जाने वाला पैदल मार्ग है, जिस रास्ते पे शुरू में ट्रॉली भी मिलता है, ट्रॉली मतलब उड़न खटोला। और थोड़ा ही आगे चलेंगे दोस्तों तो माँ मनसा देवी का एक दूसरा पैदल मार्ग है, जो कि पूरा सीढ़ियों वाला है। यहाँ नीचे अपर रोड से थोड़ी ही दूर अंदर चलने पर इधर लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और पूरी सीढ़ियाँ माँ के द्वार तक, प्रांगण तक जाती हैं दोस्तों। ये सीढ़ियों वाला रास्ता बुजुर्ग और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी थक जाएंगे आप। ये जो सामने आप मार्ग देख रहे हैं, इससे हम थोड़ा और आगे चलेंगे, हर की पौड़ी की तरफ से आएंगे और हरिद्वार रेलवे स्टेशन की तरफ जब चलेंगे, तो थोड़ा ही आगे चलने पर दूसरा जो पैदल मार्ग है माँ मनसा देवी का, वहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उस रास्ते से आपको चलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। और उसी रास्ते पर उड़न खटोला भी उपलब्ध है। अगर आप उड़न खटोला से जाना चाहते हैं तो आप उड़न खटोला से भी जा सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। थोड़ी दूर चलने पे दोस्तों राइट साइड में ये पैदल मार्ग आता है माँ मनसा देवी जी का। अभी आप सामने देख सकते हैं, मैं हर की पौड़ी की तरफ से आया हूँ और ये माँ मनसा देवी द्वार है, प्रवेश द्वार। और लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं इधर दोस्तों, तो लेफ्ट साइड में आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की तरफ चले जाते हैं। तो हमें उधर नहीं जाना, हमें आज माँ मनसा देवी के दर्शन करने हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार के अंदर और माँ के दर्शन करने चलते हैं दोस्तों। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये द्वार है, माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार, इसी द्वार से अंदर चलेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, और यहाँ प्रवेश द्वार से माँ मनसा देवी का जो मंदिर है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और आपको आधे से पौन घंटा लगभग लग जाता है पैदल चलने पे। और अगर आप ट्रॉली लेके चलते हैं, यानी उड़न खटोला लेके जाते हैं, तो आपको 5 से 10 मिनट लगता है। अगर आप केवल माँ मनसा देवी उड़न खटोला का टिकट लेना चाहते हैं तो वो पर व्यक्ति 122 रुपये का है आना जाना। और अगर आप माँ मनसा देवी के साथ माँ चंडी देवी उड़न खटोला की टिकट भी लेना चाहते हैं कॉम्बो प्लान में,
तो कॉम्बो प्लान में आपको 388 रुपये का टिकट मिलता है, जिसमें माँ मनसा देवी के आने जाने का टिकट, माँ चंडी देवी के आने जाने का टिकट और माँ मनसा देवी से माँ चंडी देवी तक जाने का आपका ट्रांसपोर्ट भी इसी टिकट में इंक्लूडेड होता है। माँ मनसा देवी से माँ चंडी देवी जाने के लिए आपको टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू वहाँ भेजा जाता है। जहाँ पर ये माँ मनसा देवी का टिकट काउंटर है, उड़न खटोला टिकट काउंटर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ऊपर टेम्पो ट्रैवलर लगे होते हैं। जिन यात्रियों ने कॉम्बे टिकट खरीदा होता है, उन यात्रियों को वो टेम्पो ट्रैवलर लेकर माँ चंडी देवी की यात्रा करा के वापस इस स्थान पर छोड़ देता है और वहाँ से आप अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। अभी आप ये सामने देख रहे हैं, ये माँ मनसा देवी का उड़न खटोला का टिकट काउंटर है। बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है आज। आज दोस्तों 5 सितंबर 2021 है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि रविवार भी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं, आप यहाँ से सोवेनियर्स ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे ये लेफ्ट साइड में उड़न खटोला अंदर जाने का प्रवेश द्वार है और जस्ट इसके बगल से ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये माँ मनसा देवी का पैदल मार्ग है। कुछ दूरी तक ये सीढ़ियाँ हैं, लगभग 30 सीढ़ियाँ होंगी, 30 से 40 सीढ़ियाँ। उसके बाद आप इजीली, एक प्लेन रास्ता है और आसानी से आप माँ मनसा देवी जा सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आइए चलते हैं। ये उड़न खटोला है दोस्तों, माँ मनसा देवी का उड़न खटोला। अगर आपके पास समय कम है तो आप इससे जाकर जल्दी ही जाकर जल्दी वापस आ सकते हैं। आधे घंटे में आप पूरी जर्नी कर सकते हैं, आना जाना और माँ के दर्शन। अगर समय कम है तो आप ट्रॉली से जा सकते हैं, अदरवाइज आप पैदल जाएं और रास्ते का पूरा आनंद लेते हुए जाएं। इन सीढ़ियों से जब हम ऊपर आते हैं दोस्तों, तो हम इस रोड पे आ जाते हैं, सामने देख सकते हैं आप। इस रोड से अगर हम राइट साइड की तरफ सीधे आगे की तरफ चले जाएं, तो सीढ़ियों वाले मार्ग के पास पहुंच जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जिधर से मैं स्कूटी से मैंने आपको जर्नी दिखाई थी, आप उधर पहुंच जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं उड़न खटोला, कितने खूबसूरत दिखाई देते हुए। लगभग 15-20 दिन हुए हैं अभी दोस्तों माँ मनसा देवी उड़न खटोला चालू हुए, पहले ये बंद थे कोरोना की वजह से, अभी स्टार्ट है। आप आएँ और उड़न खटोला का आनंद प्राप्त करें। सामने ये शुरुआत में एक बजरंगबली जी का मंदिर भी है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें हैं, पानी नींबू सोडा की दुकान है, चाय की दुकानें हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। आप प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं और आपको रास्ते में भी मिलता है प्रसाद, और माँ मनसा देवी मंदिर के द्वार के पास भी आपको प्रसाद मिलता है। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और चाहें तो ऊपर से भी खरीद सकते हैं दोस्तों। सामने आप देख रहे हैं मंदिर जाने का मार्ग। ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों स्वागतम श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा, यहीं से ही हम अंदर चलेंगे दोस्तों और माँ मनसा देवी की जी दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं, देख रहे हैं सामने अभी स्कूटी से गए, मैं भी उस दिन स्कूटी से गया था दोस्तों। इजीली स्कूटी बाइक से जा सकते हैं, दो सवारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और तीन सवारियां ना जाएं क्योंकि वेट होने से आगे चल के दिक्कत हो सकती है। देख रहे हैं दोस्तों आज भी काफ़ी भीड़ थी माँ मनसा देवी में, श्रद्धालु पैदल जाते हुए। मैं बता दूँ दोस्तों, अभी ये सामने आप देख रहे हैं ये विश्राम करने के लिए बना हुआ है। अब यदि आप पैदल आते हैं और थक जाते हैं तो आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं और ये सोडा पानी पी सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं,
रेस्ट करने के बाद आप आगे चल सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा था ये जो पर्वत है ये बिल्व पर्वत है दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क में आता है ये। इस तरह आपको रास्ते में बहुत सारे लंगूर मिल जाएंगे जिन्हें लोग चना वगैरह डालते हैं तो ये बैठ के खाते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो सीधा लंबा पुल है ये माँ चंडी देवी वाला पुल है जो नजीबाबाद मुरादाबाद साइड चला जाता है, और इसी पुल को क्रॉस करके हम माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। ये हरिद्वार शहर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, भविष्य फल सुनिए ब्लड सर्कुलेशन द्वारा 10 रुपये दे के आप अपना भविष्य जान सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी आज दोस्तों, मैं लगभग 10:30-11 बजे के करीब चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ये मामनसा देवी की, काफ़ी धूप थी। यात्री जाते हुए और कुछ यात्री वापस आते हुए थकने के बाद ये किनारों पे बैठ के लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं माँ के दर्शन के लिए। रास्ते में एक ये प्याऊ मिला दोस्तों, मैं देखना चाह रहा था इसमें पानी आ रहा है कि नहीं, तो मैंने देखा तो इसमें पानी नहीं था। क्या फ़ायदा ऐसा बनाने का जब श्रद्धालु इसमें से पानी पी ही नहीं सकते हैं। रास्ते में ये आपको सोडा पानी की बोतलें और फ्रूट चाट अवेलेबल है दोस्तों पूरे रास्ते में। ये दूसरा विश्राम शेड है, आप अगर थक जाएं तो यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं और आराम करने के बाद फिर आगे मंदिर की ओर जा सकते हैं दोस्तों। ये दूसरा प्याऊ मिला एक थोड़ी दूर चलने पे, मैंने इसमें भी पानी चेक करा दोस्तों तो इसमें पानी आ रहा था, हो सकता है उस प्याऊ में कुछ प्रॉब्लम हो, पानी की व्यवस्था है दोस्तों। आगे चलने पे मैंने देखा यहाँ पे आप टैटू भी बनवा सकते हैं, एक टैटू मास्टर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और तरह तरह की चीज़ें मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं, हींग और छोटी छोटी माताओं की फोटोज आप ले सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं रास्ते में। प्रसाद की थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखिए आप हरिद्वार सिटी का नज़ारा दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, कितना सुंदर दृश्य है। ये भी रेस्ट के लिए बना हुआ है, बेंच बनी हुई है, अगर आप थक जाएं तो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो ये लंबा बन जाएगा दोस्तों, लेकिन मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, खुद पैदल चल के जाके बनाया है और दिखाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। खाने की कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, खाने पीने की सब चीज़ें मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं गोलगप्पे भी मिल रहे हैं, आप गोलगप्पे भी खा सकते हैं। पानी की कोई दिक्कत नहीं है पूरे रास्ते में। ये नमकीन भी खा सकते हैं आप, फ्रूट चाट है। ये तीसरा रेस्ट करने के लिए शेड देखा मैंने, अभी तक ये तीसरा है, आप यहाँ आराम कर सकते हैं थकने के बाद। जगह जगह पे प्रसाद की दुकानें हैं, आप चाहें तो नीचे से भी खरीद सकते हैं, बीच रास्ते में खरीद सकते हैं, या बिल्कुल मंदिर के गेट के पास भी खरीद सकते हैं। अभी इस समय हम बिल्कुल मंदिर के करीब हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल मंदिर की वॉल के पास भी ये प्रसाद आपको मिल रहा है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये स्कूटी बाइक खड़ी हैं, आप इजीली आ सकते हैं स्कूटी बाइक से, बस थोड़ा रास्ते में संभाल के चलाएं, थोड़ा डर तो है लेकिन अगर आप ध्यान से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा मैं जब आ गया है दोस्तों तो ये प्रसाद वाले भैया मिले,
वॉल पेंटिंग देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत, गजब, अद्भुत नजारा है दोस्तों, इतनी सुंदर वॉल पेंटिंग है। मैं बता दूं दोस्तों, 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ ये माँ मनसा देवी भी हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं प्राचीन समय से ही। वॉल पेंटिंग देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग। आइए आगे चलते हैं और मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे यहाँ पे आने पर शौचालय बने हुए हैं, ये सामने आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखा हुआ है, ये शौचालय है दोस्तों, आप इसका जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रसाद की दुकानें यहाँ पर भी हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। अब हम बिल्कुल ही मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हैं दोस्तों, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं वो ये छोटी छोटी दुकानें, यहाँ पर मोतियों की मालाएं, कंगन, चूड़ियाँ, माँ के श्रृंगार का सामान, प्रसाद, फूल, सब कुछ मिलता है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये सामने आप जो चैनल गेट देख रहे हैं दोस्तों, यही माँ मनसा देवी मंदिर का प्रांगण का जो गेट है मेन, वही है। आइए अंदर चलते हैं। जय माँ मनसा देवी। राइट साइड में देखिए आप, ये मालाओं की और चूड़ी कंगन की छोटी छोटी दुकानें, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पीने के पानी का यहाँ पर व्यवस्था है दोस्तों, प्याऊ भी है एक और पानी भी है यहाँ पर, साफ सुथरा पानी है पीने योग्य। आइए आगे चलते हैं। यहाँ खाने पीने की भी दुकानें हैं, पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, समोसा, जलेबी और मिठाइयाँ भी हैं, सादा भोजन भी है दोस्तों, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, दुकानें खुली रहती हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक। ये सामने आप देख पा रहे हैं उड़न खटोला का प्रवेश द्वार है, अगर हम उड़न खटोला से आते हैं तो इसी गेट से बाहर आकर माँ मनसा देवी के दर्शन करते हैं और वापस भी इसी गेट से जाते हैं। ये जो मैं आपको दूसरा गेट दिखा रहा हूँ, ये जो सीढ़ियों वाला रास्ता है दोस्तों, जब हम सीढ़ियों वाले रास्ते से आते हैं तो इसी गेट से ऊपर आते हैं माँ मंदिर, माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है दोस्तों, ऊपर टोटल कवर्ड है, छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर भी प्रसाद की, और कैंटीन है, भोजन की अच्छी व्यवस्था है, देख सकते हैं आप। ये अभी मैं इधर से आया हूँ, ये जो रास्ता है इधर से मैं आया हूँ पैदल, और सीढ़ियों वाला मैंने अभी आपको दिखाया चैनल गेट जो था, सामने ही माँ का मंदिर है। आगे इधर लेफ्ट साइड में दोस्तों निशुल्क जूता स्टॉल है, आप यहाँ पे जूता चप्पल निशुल्क रख सकते हैं और टोकन प्राप्त करके आप माँ के दर्शन करने जा सकते हैं, और वापस जब आप आएंगे तो वो टोकन देंगे तो आपको आपके जूते चप्पल वापस कर दिए जाते हैं, निशुल्क है दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है तो दान दे सकते हैं, नहीं तो निशुल्क है। आइए आगे चलते हैं और माँ के दर्शन करते हैं।
ये सामने आप देख पा रहे हैं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट प्रवेश द्वार, यही एंट्रेंस है दोस्तों, यहीं से हमें एंट्री करनी है अंदर माँ के पास जाने के लिए। आइए अंदर चलते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। लेफ्ट साइड में ये लोगों ने चुनिया बांधी हुई हैं अपनी मंशा को पूर्ण करने के लिए। आज काफी श्रद्धालुओं की संख्या थी दोस्तों, मंदिर में काफी भीड़ थी। मेरा नंबर भी लगभग आधे घंटे बाद ही आया, बहुत ज्यादा भीड़ थी आज श्रद्धालुओं की। लेफ्ट साइड में आप ये जो लोहे की रेलिंग टाइप देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों तो इस रेलिंग के अंदर से ही श्रद्धालुओं को लाइन में चलाया जाता है, जिससे कि भगदड़ ना हो और सबको असुविधा ना हो। ये दिल्ली के कुछ सब्सक्राइबर मिले मुझे दोस्तों, बात नहीं कर पाया मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इन्होंने बताया कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फैमिली से। देख सकते हैं दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा आज श्रद्धालु थे मंदिर में। ये हवन कुंड है दोस्तों, हमेशा जलता रहता है। आइए आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी हिल रही है दोस्तों क्योंकि मेरे गिम्बल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने हाथ में मोबाइल लेके इसको शूट किया है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ी वीडियो डिस्टर्ब है क्योंकि मैंने हाथ में मोबाइल लेके शूट किया था। एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है माँ के मंदिर का, इस वजह से मैं आपको ना तो फ़ोटो दिखा पा रहा हूँ ना ही वीडियो। आगे चलते हैं और ये श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, आइए दर्शन करिए। आगे चलते हैं, ये माँ चामुंडा कामना पूर्ण करने वाली माता का मंदिर है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, इस वृक्ष में धागा बांधा हुआ है, कहते हैं कि इस धागे को बांधते हैं और अपनी मन्नत को श्रद्धालु रखते हैं, अगर उनकी मन्नत पूर्ण हो जाती है तो वे दोबारा आकर इस धागे को खोलते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो गई होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ लोग बांधते हुए श्रद्धालु धागों को, मन्नत पूरी होने के बाद आके यहाँ पे धागा खोलना बहुत ज़रूरी होता है, दोबारा आके इस धागे को खोलना ही पड़ता है, कोई सा भी खोल सकते हैं, सेम वही धागा तो नहीं मिलेगा। आइए आगे चलते हैं, ये बजरंगबली जी का मंदिर है, प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे ही लेफ्ट साइड में ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है माँ मनसा देवी ट्रस्ट का, और ये विश्राम गृह है चिकित्सालय का। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ये एक हॉल है दोस्तों, इधर कुछ अलमीराज वगैरह रखी हैं, इस हॉल में विश्राम कर सकते हैं आप। ये मनसेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है, आइए दूसरी साइड से दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा ही आगे चलने पे आप ये देख सकते हैं जय माँ चामुंडेश्वरी रत्न केंद्र है, दीप स्टूडियो है, यहाँ पे आप फोटोज खिंचवा सकते हैं ड्रेस में, जैसी ये सामने फोटो को देख रहे हैं आप। ये माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये एक हॉल है, अंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो श्रद्धालु या यात्री हरिद्वार नहीं आ पा रहे हैं कोरोना काल की वजह से, वो घर बैठे ही आपके द्वारा शेयर किए हुए इस वीडियो से माँ के दर्शन कर पाएँ और लाभ प्राप्त कर सकें। ये कार्यालय है मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का, जस्ट लेफ्ट साइड में एक मंदिर है श्री वैष्णो देवी मंदिर, आइए अंदर चलते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियोस
अपलोड करता रहता हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये श्री काल भैरव जी का मंदिर है। अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देख